चौरस पराठा स्क्वायर पराठा चा ये मेरी मम्मी का ट्रेडिशनल तवे पे बनाने वाला ऑमलेट अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। ये भी पाकिस्तान में बनाया गया एक व्लॉग है और आज हम सैर करेंगे पिंडी की और इस्लामाबाद की। अपने मुल्क की बात ही कुछ और है, इतने साल यूके में रहते हुए मैंने कभी ऐसा सनराइज़ वहाँ पे देखा नहीं। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जब बाहर रहते हैं तो तभी हम इनको नोट करते हैं, जो लोग मुल्क में रह रहे होते हैं ना उनके लिए चीज़ें आम होती हैं। और आज की वीडियो में बस कुछ ऐसे ही स्पेशल मोमेंट शेयर करने हैं। यहाँ पे जी मेरी अम्मा कर रही हैं मेड की ट्रेनिंग और मैं ऊपर आई छत पे तो अम्मी उसको सिखा रही थी शायद कपड़े धोने कैसे हैं, उसको फैलाना कैसे है। और ये ऊपर छत से गली का मंज़र, इट मे नॉट मीन एनी थिंग टू मैनी पीपल लेकिन टू मी इट मीन्स अ लॉट। आई लव दिस देसी एटमोसफेयर। और फिर ऊपर आके जी हमने एक पेटियाँ भी खोल ली, सूट केसेस भी खोल ली है ये देखें। और ये जो सूट केसेस और पेटियाँ होती हैं ना, ये सिर्फ पेटियाँ नहीं होती, ये पूरी यादों की जो है ना पोटलियाँ होती हैं, किसके साथ कितनी डिस्कशंस वाबस्ता होती हैं कि कौन से कपड़े कब लिए थे और कितने अरसे से संभाले हुए हैं। बाय। आज का ब्लॉग सिर्फ उन लोगों को अपील करेगा जिनको पाकिस्तान से वैसी ही मोहब्बत है जैसी मुझे है, चाहे गलियाँ टूटी हुई हों, बिजली हो या ना हो, दे जस्ट लव पाकिस्तान। फ्रेश लुकिंग राइस की, ये शेला राइस तो नहीं है, थोड़े लंबे हुए हैं, हैं? हाँ बहुत नाइस इसकी वो है, ये भी बड़ा अच्छा है, विंग्स, विंग्स, पीछे आवाज आ रही है। मैं जब नई नई यूके आई थी तो मैं बहुत मिस करती थी बिजली जाने को, क्योंकि बैक इन दोज डेज जब बिजली जाया करती थी तो सारे मिल बैठते थे, गप्पे लगती थी, अगर गर्मी होती थी तो सब बाहर चले जाते थे, सर्दी होती थी तो बस गप्पे लगाते थे। अम्मा का चौरस पराठा स्क्वायर पराठा लाल चा पत्तों वाले शवन का मज़ेदार सालन जी। हमारी मेड ने बिरयानी बनाई है जो शक्ल में पुलाव से बहुत मिल रही है लेकिन लग रही वैसे मजे की है पुलाव। आई मीन लो जी आए मैं आपको विजिट करा दूँ CST रावलपिंडी का। कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, आई एम वन ऑफ दोज कि जो पाकिस्तान में जाकर ना उसकी बुराइयाँ ढूंढने की बजाय मुझे बिल्कुल वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो डिफरेंट हैं यूके से, एंड दैट मेक पाकिस्तान सो स्पेशल। सबसे तो पहले बात यह है कि CST की सारी पार्किंग फ्री है, एक रुपया भी पे किए बगैर हम पार्क करते हैं जितनी देर मर्जी दिल चाहे।
जो हम यहाँ पर ट्रॉली लेंगे दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यहाँ पे लोग हमारी हेल्प करेंगे उसके लिए ज़ाहिर है हमने तो कुछ पे नहीं किया, हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन हर आयल में इंडिविजुअली एक स्टाफ मेंबर खड़ी होती है या खड़ा होता है टू गाइड यू। आई सिंपली लव दीज वैल्यूज़। लोग ऐसे आपकी हेल्प कर रहे होते हैं जैसे आपकी हेल्प करके पता नहीं उनको कितना ऑनर मिल रहा है। यहाँ पे जी आगे एक बड़ा खूबसूरत सा स्पार्कली सा स्पॉट आया, वहाँ पे खड़े होकर हमने पहली पिक्चर्स ली। और बिल्कुल यूके स्टाइल में यहाँ बच्चों के लिए छोटी वाली ट्रॉलीज अलहदा से अवेलेबल होती हैं टू अट्रैक्ट दैम। इट्स ए मैसिव शॉपिंग प्लेस के जहाँ पे घर में इस्तेमाल की चीज़ों से ले कर मसालों और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ पर ना हो। बर्तन मिलते हैं, जूते, कपड़े, अंडे, दालें, You name it, it's there. Fresh fruit, fresh meat, everything. हाँ फिर पता क्या करना, नीचे वो इसी जोन में आ जाना ना, बस अब चाहिए। ठीक है, तो आपकी कोई ऐसी खास चीज़ है जो लेनी है? मेरे को ये चाहिए, जिसके सेल लेने हैं, ये जो आपके इसके सेल तो सेल बिग ये दोनों पतले या मोटे वाले जो भी हैं। तो जी आपको दिखाऊँ अपने मुल्क की खूबसूरतियाँ। ये आई थिंक डिफरेंट टाइप के लैम्प्स हैं इंक्लूडिंग हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स। एंड आई लव टू प्रमोट हमारा जो अपना कल्चर और सकाफत है उसको। और इस CST में भी मेरी पूरी कोशिश थी कि हम पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें लें। ये बात मैंने एक रिसेंटली एक यूट्यूबर से लर्न की है कि इट्स ए गुड आइडिया टू प्रमोट आर ओन ब्रांड्स। वैसे सारी शॉपिंग के बाद ये भी पता चला कि महंगाई भी उतनी है जितनी UK में है। अम्मी ये तो मैं 3 लेने लगी हूँ क्योंकि मेरे बेटे नू ना इसकी सप्लाई कॉन्स्टेंट मुयस्सर आनी चाहिए। छुपा के रखना आपका काम। ये भी हो गई और मायनेस, ये क्लासिक मायनेस ठीक है, बहुत है। कौन सा शाकिर ये? ये तो अभी फाइन आटा, ये तो बिल्कुल वो वाला, ये लिखा हुआ है खास पराठों और नान के लिए, ये मैदे से मिलता है। आपने नाल लेने चाय की पत्ती, ये क्या है भाई? ओए देसी घी, ये अच्छा होता है नहीं पर ये अच्छा होगा, 2000 का है और ऊपर भी देसी घी है। हैं ये हमारे बचपन वाले डब्बे मार्क पे और देसी घी। ये वैसे बॉटल अच्छी बना क्यों है कि ये जब एक दफ़ा आप और चीज़ें यूज़ कर लें ना तो इससे वापस भर लें, डालने के लिए अच्छी नहीं है। हमारे प्यारे पाकिस्तान का प्यारा ब्रांड, इट्स कॉल्ड एडम्स। जबरदस्त किस्म की इनकी दही होती है, आप भी यही खरीदा करें। बस तो मुझे उसका मिल्क ही नहीं पसंद। ये सब यहाँ पे नहीं, यहाँ का कौन सा बस आइडम सी है आगे है। मुझे स्लाइस चाहिए, ये अपना लोकल है इसमें। और ये इसमें 10 स्लाइसेस हैं। थैंक यू। 2200 का है ये, लेकिन अभी 1925 का चल रहा है। क्वालिटी वाइज ये अच्छी चीज़ है, प्राइस वाइज से 875 का आपको ये 1 KG में मिलेगा। अच्छा नहीं, लोकल में नहीं, लाहौर का ब्रांड नहीं, लोकल से मुराद पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ब्रांड हाँ। 30 वाला कहाँ है ये? 20 वाला है, 30 वाला किधर है? ये 30 वाला एक ही ले लो। बाकी सारी चीज़ें कहाँ पड़ेगा?
अच्छा आप यहाँ एसी एसी में काम करते हैं? अच्छा 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 नहीं आपकी बस स्पेशल लेने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, थैंक यू। चलो फिर दिखा दें, दिखाएं ये इनके विंग्स हैं जी, क्लासिक विंग्स। ये इनको सिर्फ फ्राई करना होता है, मैरिनेट भी करना है? फ्राई करना है, मैरिनेट। ये ले लूँ अम्मी, ये और ये भी हैं। अच्छा एक ही, चले एक ये ले लेते हैं और एक ये, दोनों को ट्राई करते हैं, थैंक यू। नहीं ये अनार है, ये वाला अनार है और अंगूर वाला है, मैं आपके लिए अंगूर वाला लाने लगी थी। हमने जी यहाँ पे भी यूके की रवायात को मेंटेन रखा, हमने बर्गर बंस ख़रीदे, वे घर में ज़बरदस्त मज़ेदार बर्गर बनाए जो मेरे अबू कह रहे थे कि मैकडोनल्ड से भी ज़्यादा अच्छे हैं। 30 अंडे 1180, हाँ लेकिन ये ऑर्गेनिक है। खालिस दूध तो पाकिस्तान में मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नूरपुर इज़ ए गुड ब्रांड ऑलपर्स के कंपेरिजन में, इट्स डिसेंट मिल्क। केक सुपर। और जी ये हमारे बचपन वाली जुबली, किस किस ने खाई हुई है, सो चुई, इतने मज़े की होती है, अगर आपने नहीं खाई तो यू मस्ट ट्राई इट। इट्स गेटिंग अ लिटिल बोरिंग, तो चलें जी टिल पे चलते हैं और पेमेंट करते हैं। और ये एक शूट पीस, ये है जी अपने मुल्क के मज़े, पैकिंग भी कोई और कर रहा है और गाड़ी तक भी कोई और छोड़ के आ रहा है। पहले कोई ना आया, हूं चाइना का ये मिल वही है। बिस्मिल्लाह, बहुत ज्यादा अबू जाता है, ये रोटियां भी बढ़िया स्पेशल ने भाई, तुझे खा के चेक करो। ए हां ओए मेरे दूसरा रोटी खानी है, ऐसी रोटी खा रही हूं। अच्छा मैं कहना तुम आज सोए ही जाते रहो आज। अच्छा फिर मैं तो फिर रोटी खाए, रोटी अब पूरे वहीं पे चावल छोड़ दिए। बेस्ट ब्रो एवर, साथ में चाय चाय चाय। यूके में ये सहूलत मैसर नहीं, पता नहीं बेचारों को कोई पे भी होता है कि नहीं। ये मेरी अम्मी का ट्रेडिशनल तवे पे बनाने वाला ऑमलेट, ये पराठे हमारे रेडी हैं। इस अंडे की खास बात है इसमें सिर्फ नमक और मिर्च होता है और ये तवे पे बनता है। और अगर मैं इस सीन को कैप्चर ना करती तो बड़ी ज्यादती होती। इस बंदे ने इतने एक्सपर्ट तरीके से स्क्रीन प्रोटेक्टर चेंज किया अबू के मोबाइल का, और इतने कम पैसे लेते हैं कि मैं तो सोचती रह जाती हूँ कि इतने से पैसों से क्या बनता होगा। ज़रा इसका स्किल और टेक्निक चेक करें। पाकिस्तान की खूबसूरती, ये हार लेके जो इस्तकबाल है इसे पाकिस्तान में होता है। दिस इज डोमेस्टिक अराइवल्स और हम यहाँ आए हैं अपने भजन को रिसीव करने। मेरी अम्मा का एक पेट जुमला है कि हर चीज़ दी आनी चंगी है, जाननी चंगी। तो ये है कि अभी इस वक्त तो हम खैर किसी के आने पे आए हुए हैं, तो इसलिए वी आर हैप्पी। This vlog was all about Pakistan. So inshallah I'll see you in my next video. Till then Allah Hafiz, and do let me have your feedback. I really want my kids to learn these values. Dekhiye kone mein sheher chupa hua hai aur bhajan ke aate hi isne phoolon se istiqbal kiya unka.